बीएड प्रशिक्षु शिक्षक विद्यार्थी एवं रोवर्स रेंजर्स का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त मंडल नौशाद अली सिद्दीकी के पर्यवेक्षण में चल रहे शिविर का सेंट एंड्रयूज कॉलेज में समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सेंट एंड्रयूज कॉलेज के प्रधानाचार्य जे के लाल उपस्थित रहे, जिनका स्वागत बुके देकर किया गया। जिसके संबंध में कॉलेज के प्रधानाचार्य जे के लाल ने कहा कि स्काउट संस्था का मूल्य उद्देश्य सेवा भाव है। प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रीय निर्माण के प्रति अपने कर्तव्य एवं दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करने की प्रेरणा का भाव जागृत करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण से छात्रों में अनुशासन व सीमित संसाधनों में जीवन जीने की कला खेल के माध्यम से सीख जाते हैं, जो आगे चलकर व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है। इस अवसर पर जिला संगठन आयुक्त गाइड एसर्ट सिद्दीकी, जिला संगठन आयुक्त स्काउट सत्यानंद शर्मा, प्रशिक्षक श्यामू सिंह, डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव और डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव, रविंद्र कुमार सहित कॉलेज के शिक्षक एवं छात्र उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेंट एंड्रयूज कॉलेज के प्रधानाचार्य जे के लाल ने कहा, कल फोन पे मेरी बात आ गई, मैंने 3 बार कहा हर कोई आपकी तरह अनुभव नहीं होता। बहुत बार ये प्रशिक्षण 5 दिनों से लगातार धूप में, मैं प्लीज आइए और आप अपनी जिम्मेदारी संभाले। मंच संचालन हेतु आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद का सम्मान। ये हमारा कार्यक्रम स्काउट एंड गाइड का था बीएड के प्रशिक्षुओं के लिए, और रेंजर्स और रोवर्स का था जो हमारे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, उनकी 2 टोली थी उनके लिए किया गया। 5 दिवसीय विशेष शिविर था, जिसमें इन लोगों को विभिन्न आयामों में, स्काउट और गाइड के विभिन्न आयामों के बारे में बताया गया। आज का ख़ास तौर से आप लोग ने देखा भी होगा, फील्ड पे विभिन्न तरह के टेंट, पुल और गांठ बांधना इनको सिखाया गया। इसके इतर बौद्धिक सत्र में प्रत्येक दिन 5 दिवस में इनको हर तरह की जानकारी दी गई और स्काउटिंग के बारे में बताया गया। अब वो तो जो बच्चे इस कार्यक्रम को अटेंड किए हैं, दे आर द बेस्ट जज टू टेल अबाउट, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा क्योंकि स्काउटिंग या रेंजर रोवरिंग का या
मोटी तौर पे आप कह सकते हैं कि प्रत्येक कार्यक्रम जो हम लोग करवाते हैं उसमें विद्यार्थियों को विपरीत परिस्थितियों में कैसे प्रसन्न रहते हुए आगे बढ़ते जाना है। हालांकि स्काउटिंग की शुरुआत तो एक तरह से स्पाइंग के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में चल के ये राष्ट्र सेवा लोक सेवा के माध्यम बन गया और विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से ये अपने आप को सुदृढ़ रखते हुए अगर कोई चोट लग जाए तो अगर कहीं पुल बनाना हो तो विभिन्न कार्यक्रम किस प्रकार करेंगे वो सिखाया गया इनको।